नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम जीवन के कई ऐसे पहलू होते हैं जहाँ हम अपनी भरपूर मेहनत करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं अपने लक्ष्य को पाने की, किंतु कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य पर पहुँचने से पहले ही हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है या हम हौसला हार बैठते हैं। तो ऐसे समय में हमें अपने जो हौसले को कायम रखना है, जो हमें अपनी अंदर की जो लौ है हमारी उसको जलाए रखना है, या अंदर के जज्बे को हमेशा जो है हमें जिंदा रखना है, इसके लिए मैंने एक खुद कविता लिखी थी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कविता को जो भी व्यक्ति सुनेगा और इंस्पायर इससे हो सकता है और अपने जीवन में दोबारा से जो है मेहनत करने के लिए मेरे ख्याल से एक कदम उठा सकता है और कभी हार ना मानने वाली स्थिति को अपना सकता है। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप इस कविता को मेरी सुने। ये मैंने खुद लिखी थी, 2018 में लिखी थी, और मैं चाह रही हूँ आपको मैं सुनाऊँ। तो सुनिए दोस्तों। हर राह की मंजिल आने को है, हर राह की मंजिल आने को है, तुम लौ को अपनी जलाए रखना। हर राह की मंजिल आने को है, तुम लौ को अपनी जलाए रखना। मुकम्मल होगी तुझे तेरी मेहनत, मुकम्मल होगी तुझे तेरी मेहनत, हर वक्त हर लम्हा इसे कायम रखना। कहते हैं कि गर मुश्किलें आएं तेरे कदमों में ऐ दोस्त, गर मुश्किलें आए तेरे कदमों में ऐ दोस्त, तू उनको अपने पैरों तले दबाए रखना। और गर हार ना मान जाए ये मुश्किलें तेरी, गर हार ना मान जाए ये मुश्किलें तेरी, तू नाम ऐ मेरे दोस्त मेरा दूसरा रखना। तो ये बात आपको समझाने की कोशिश की है कि हर हाल में आपकी मुश्किलें जो है आपसे हार मान जाएंगी, नहीं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आगे की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि समंदर की गहराई तुझे नापनी होगी, समंदर की गहराई तुझे नापनी होगी, बस इसके लिए थोड़ा हौसला रखना, बस इसके लिए थोड़ा हौसला रखना। गर चाहिए तुझको सीपों का खजाना, गर चाहिए तुझको सीपों का खजाना, तो गोतों की रफ्तार को बढ़ाए रखना, गोतों की रफ्तार को बढ़ाए रखना। यानी अगर आपको सीपों का खजाना चाहिए या खजाना चाहिए तो आपको और अंदर गोते लगाने पड़ेंगे, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। आगे की कुछ लाइनें इस प्रकार हैं, आखिरी की चार लाइनें। सपनों की दहलीज पर चढ़ना है तो देखो, क्या कहा है कि सपनों की दहलीज पर चढ़ना है तो देखो, हर पल हर कदम अपना पक्का रखना, हर पल हर कदम अपना पक्का रखना। झक हार के मिलती है तरक्की सबको, झक हार के मिलती है तरक्की सबको, बस सब्र का दामन तू हमेशा थामे रखना, बस सब्र का दामन तू हमेशा थामे रखना। ये कविताओं की मेरी पंक्तियां हैं और मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि अगर ये आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन ला सकती हैं, या आपको किसी भी प्रकार से अगर आप किसी कठिनाई में हैं, या आप अपने आप को बहुत लेट डाउन फील कर रहे हैं, या अपने आप को कहीं भी कम आंक रहे हैं, तो आप इनसे मोटिवेट होकर, आप इससे हौसला लेकर जीवन में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, समय आपके लिए कभी भी बदल सकता है। हो सकता है आपके जीवन में आज मुश्किलें हों लेकिन कल नहीं होंगी, बस आपको क्या करना है, अपने सब्र की जो आपके अंदर का जो एक पेशेंस जिसे हम कहते हैं, धैर्य कहते हैं, उसको बनाए रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नमस्कार साथियों, नमस्ते, थैंक यू।